कामयाबी तक डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ जल प्रदेश घोषित कर दिया है। इस उपलब्धि के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है और उन्हें खुले में शौच मुक्त प्लस के रूप में स्थापित किया गया है। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और उनका प्रबंधन सुलभ, सुजल और स्वच्छ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुजल और स्वच्छ राज्यों के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और प्रबंधन ODF प्लस, ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और अभिकरण IEC कार्य योजना आदि जैसे क्रॉस कटिंग हस्तक्षेप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर 3 जिलों के 9 ब्लॉक में से 266 गांवों में फैले 62,000 ग्रामीण परिवार हैं। केंद्र शासित प्रदेश ने सभी 368 स्कूलों, 558 आंगनवाड़ी केंद्र और 292 सार्वजनिक संस्थान केंद्रों को पाइप से पानी की आपूर्ति की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो मुख्य भूमि से दूर स्थित हैं, भारत की बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने ग्रामीण घरों में जल के पानी के कनेक्शन के साथ 100% कवरेज हासिल करने का घोषणा की है। यह गोवा और तेलंगाना के बाद ग्रामीण घरों में जल पानी की आपूर्ति के साथ 100% कवरेज करने वाला देश का तीसरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस न्यूज़ से आपकी परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, तो प्रश्न होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ जल प्रदेश बना है। कौन बना है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्वच्छ जल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो स्वच्छ जल का कवरेज करने वाला गोवा है, दूसरे पर तेलंगाना है और तीसरे पर अब जो बन चुका है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन चुका है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर